हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 12, यानी कि 12वां पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। अगेन इसमें 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। यानी कि ऑप्शन डॉक्टर अनिल सुलभ, जिया लालारी, राम उपदेश सिंह एंड डी ईश्वर चंद्र कुमार। तो आपको बताना है कि स्वाधीनता आंदोलन और बिहार जो पुस्तक लिखी गई है इनमें से उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जियालाल आरी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखिए कि पूरे पूर्वी भारत की बात कर रहा है, यानी कि बिहार भी उसमें आ जाएगा, आपको बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो जिसे बिहार में खोला जाएगा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, ये कहाँ पर होगा ये बताना है आपको। जहानाबाद, भोजपुर, पटना और वैशाली। इसका सही आंसर होगा पटना। पटना में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को खोला जाएगा। बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, जहाँ पर खुदाई के बाद बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शंस, नालंदा, बोधगया, बेगूसराय एंड लखीसराय। ठीक है, तो यह इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लखीसराय में बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंडा से घर की ओर नाम एक अभियान चलाया गया है, यह अभियान किससे संबंधित है? ठीक है, किस अभियान की क्या नाम है? घरौंडा से घर की ओर किसके द्वारा चलाया गया है? पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। तो ये किससे रिलेटेड है? मकान, सड़क, शिक्षा और स्वच्छता। तो ये जो स्कीम है या प्रोग्राम या अभियान है ये शिक्षा के लिए चलाया गया है, घरौंडा से घर की ओर पटना निगम नगर निगम के द्वारा। तो ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा? पटना नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा भारत के किस भवन को सेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार? सेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार किसके द्वारा? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, ये दिया गया है, तो कौन से भवन को दिया गया है? ये राज्यपाल भवन, सचिवालय, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर, बिहार विधानसभा भवन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को सेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेकर, कितना विकेट? 68। बिशन सिंह वेदी का जो 44 साल पुराना रिकॉर्ड था 64 विकेट लेने का, उसको तोड़ दिया। तो बिशन सिंह वेदी का 64 विकेट का रिकॉर्ड था, यहाँ पर एक बिहार के रणजी टीम के खिलाड़ी ने 68 विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान बनाया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो बताना है कि इस खिलाड़ी का नाम क्या है? जयदेव ठाकुर, रत्न कुमार, आशुतोष अमन एंड महेश पाठक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आशुतोष नमन। ये रणजी टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सिविल सर्विस के किस नियम को निरस्त किया गया है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा 5A। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता के लिए अपना सद्भावना दूत बनाया है? किसको? शूटर है एक, अर्जुन पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है, इनका नाम है श्रेयसी सिंह, इनको एम्बेसडर बनाया गया है या फिर सद्भावना दूत बनाया गया है, किस चीज के लिए? पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जागरूकता के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो विभाग है उस विभाग का क्या नाम है जिन्होंने इनको अपना सद्भावना दूत बनाया है। ठीक है, तो यह इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाज कल्याण विभाग ने श्रेयसी सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर या फिर सद्भावना दूत बनाया है जागरूकता के लिए। महात्मा बुद्ध की एक ये प्रतिम राजगीर में लगाई जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, लगाई गई है प्रतिमा होगा यहाँ पर, सही से। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा जो राजगीर में लगाई गई है इसकी ऊंचाई कितनी है ये बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सी, 70 फीट। तो याद रखिएगा इनकी प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है? राजगीर में। तो ये भी याद रहना चाहिए, जगह का नाम भी, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली
पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना और गया। चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, यानी कि बच्चों के जो केसेस होते हैं उनको वहाँ पर हैंडल किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिहार शरीफ में ये पहला चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशन खोला गया है बिहार का। बिहार से संबंधित किस महिला को बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो बिहार से संबंधित किस महिला को बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? अंकिता कुमारी, ओलिविया कॉलमन, पद्मिनी चौधरी, अनुवंदना सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओलिविया कॉलमन, जो कि बिहार से संबंधित है। तो इनको महिला में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला हुआ है। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा या फिर निर्माण करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? बोधगया, अररिया, राजेंद्र नगर और जमुई। ऑप्शन सी, राजेंद्र नगर पटना में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को खोला जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? ठीक है, तो ऑप्शंस राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र में बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है उसको रोकने के लिए बिहार यहाँ पर एक राज्य के साथ मिलकर काम करने वाला है, उस राज्य का नाम राजस्थान है। बिहार के किस सरकारी कंपनी ने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, ये एक सरकारी कंपनी है जो कि मिड डे मील में 1.17 करोड़ छात्रों को दूध देने का प्रस्ताव रखा है। तो इस कंपनी का आपको नाम बताना है, अमूल, सुधा, अमृत, अगेन दिस इज कॉम्रेड, इट इज कॉम्फेड। आपको पता है कॉम्फेड जो है ये एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है और गवर्नमेंट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कॉन्फेड। ये क्या करेगी, मिड डे मील में इतने सारे बच्चों को दूध देने का प्रस्ताव इसने रखा है। किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगी? ठीक है, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर वेबसाइट का यूज किया जाएगा, सोशल साइट का, ताकि किसानों को मौसम के बारे में जानकारी दिया जा सके। जिसका जो आंसर होगा सबसे आसान आंसर व्हाट्सएप, इसके द्वारा यहाँ पर जानकारी दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा किसानों को। नेक्स्ट, बिहार में उगाए जा रहे काली गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? तो इससे पहले भी हमने देखा है, पहले वाले जो स्लाइड्स थी, यानी कि जो शायद 11th पार्ट था, उसमें भी हमने देखा था कि काली गेहूं कहाँ उगाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस काली गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया? ऑप्शंस, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बिहार एग्रो फूड इंस्टीट्यूट, अशोक एग्रो फूड इंस्टीट्यूट एंड ऑप्शन डी, ए एंड बी, ये रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ए, यानी कि नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा काली गेहूं का निर्माण किया गया, एक प्रजाति है गेहूं की। नेक्स्ट, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? ठीक है, अगेन नाम मोहन मिश्रा, विश्वास बसंत, नलिनी वर्मा, राम मणि लिंगायत। ठीक है, तो इसके जो आंसर होंगे वो ऑप्शन बी होगा, नलिनी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया। कौन सी पुस्तक? गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा किसके जीवनी पर आधारित? तो लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित। तो ये दोनों तरीके से याद रखेगा। अगेन हम इसमें एक बार और भी एक क्वेश्चन था लालू प्रसाद यादव से रिलेटेड, कि इनकी जीवनी पर एक फिल्म भी बन रही है, भोजपुरी फिल्म, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम लालटेन। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, उस फिल्म का नाम ही होगा लालटेन। बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? ठीक है, बिहार के ये आईएएस अधिकारी है, तो कौन है? राजेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, रविंद्र कुमार और रघुवेंद्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा रविंद्र कुमार, ये सही आंसर होगा। ये बिहार 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 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ के एक नया कीर्तिमान बनाया है। बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, विमेन साइंटिस्ट, महिलाओं को जो अवार्ड दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, तो यहाँ पर दिया गया है किसको? डॉक्टर शांतिरा, डॉक्टर नवजीत कौर, डॉक्टर राधा एंड डॉक्टर तनुजा। ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर होगा, डॉक्टर तनुजा को विमेन साइंटिफिक या साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की बात की गई है? महिला मिल्क बैंक, यानी कि यहाँ पर जो महिला विमेन मिल्क होते हैं
उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा ताकि उसके बाद किसी निडी बच्चे को जिसको जरूरत होगी उसको दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके का मिल्क बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? एम्स पटना, पारस अस्पताल पटना, श्री साई अस्पताल पटना, सहयोग अस्पताल पटना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम्स अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल पटना, जहाँ पर ये महिला बिल मिल्क बैंक खोलने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन इसमें देखे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगेन 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।